दोस्तों, मेरा नाम है बुरे और आप देख रहे हैं मचरण डिजिटल टेक्निशियन। और फाइनली भाई, जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ थोड़ी बहुत तो हो गई है कि मैंने किसी तरह से पहला चैप्टर हासिल कर लिया है फिजिक्स एंड मेजरमेंट का, यानी फर्स्ट ईयर की न्यू फिजिक्स बुक का। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि आप डाउनलोड कर सकें, पढ़ सकें, आराम से चीज़ को देख सकें। आज तो जल्दी बुक रिलीज हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, कुछ भी कह लें आप, लेकिन अभी तक फ़िलहाल बुक नहीं आई है। तो पहली बार मैं वीडियो इस चीज़ पर बना रहा हूँ क्योंकि अभी बुक लॉन्च हुई नहीं है, सिर्फ एक से दो चैप्टर लॉन्च हुए हैं। और इस चैप्टर को जरा शुरू से देखना शुरू करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं जो जो मेन पॉइंट है जिससे पेपर बन सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें जो डेरिवेशन टाइप होंगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होने वाला है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यूनिट नंबर 1। बुक थोड़ी सी रंगीन हो गई है। यहाँ पे चैप्टर में ये SLOs होते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि बेटा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, कहीं से भी पढ़ रहे हो मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपके ये सवाल क्लियर हो पा रहे हैं जो आपके लिखे हुए आ रहे हैं कि क्या चीज़ फिजिक्स होती है, उसका स्कोप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो ये चीज़ होती है SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अगर आपने पढ़ लिए और ये चीज़ें समझ ली तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर सही से समझा हुआ। तो यानी ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं भाई पहले 1.1 से कि 1.1 हमारे पास क्या है भाई, स्कोप ऑफ फिजिक्स चैप्टर। जैसे हमारे पास पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था, यहाँ पे हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स से शुरू किया। स्कोप ऑफ फिजिक्स की फिजिक्स का क्या स्कोप है, कहाँ काम आती है, किस तरह हमें देखने को मिलती है, या फिजिक्स के लॉ कहाँ अप्लाई होते हैं। चलें इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, कि अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ इवन, तो वहाँ तक हमारी फिजिक्स काम आ रही है। अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो वहाँ भी फिजिक्स काम आ रही है। ऑटोमोबाइल जितने भी काम कर रहे हैं वहाँ भी फिजिक्स काम आ रही है। मैकेनिक्स जहाँ हो रही है वहाँ फिजिक्स काम आ रही है, यानी कोई भी चीज़ मोशन में हो। इवन थर्मोडायनेमिक, जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, कोई चीज़ ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वहाँ भी हमारी फिजिक्स काम आ रही है। तो फिजिक्स हर जगह काम आ रही है, फिजिक्स होती क्या है। इस चीज़ को ज़रा आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करें तो फिजिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसी नेचर के बिहेवियर से, उसके मैटर से, उसकी एनर्जी से, और उनके इंटरेक्शन बिटवीन देम से। यानी फिजिक्स किसी भी चीज़ के नेचर के बिहेवियर के मैटर के एनर्जी से इंटरेक्ट करने का काम है। यानी एक लकड़ी कितनी मजबूत है, कितना उसका वजन है, कितनी दूर तक वो जा सकती है, क्या उसमें ताकत होगी, किस चीज़ का बना हुआ है और क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक तरह का फिजिक्स का पार्ट होंगी। आप कुछ चीज़ें केमिस्ट्री से भी डील करेंगी लेकिन वो हमारे फिजिक्स में भी आएंगी भाई। तो सबसे पहले फिजिक्स के लॉ समझने के लिए हमें काफ़ी सारी फिजिक्स की ब्रांचेस में तोड़ा गया है। जैसे आप अभी कंप्यूटर साइंस लिए, हो सके किसी ने प्री इंजीनियरिंग लियो, हो सके किसी ने प्री मेडिकल लियो, तो ऐसे जैसे आपने अपनी अपनी देखा हुआ है, अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड्स हैं, वैसे ही हमारे पास फिजिक्स की भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे मैकेनिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी डिटेल, चैप्टर काफ़ी लंबा है, 44 पेजेस पर मुश्तमिल है भाई पहला चैप्टर, पहले ही बता दूँ। तो हिम्मत रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखने में सब कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैकेनिक्स सबसे पहले बात करते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करेगी किसी स्टेडी ऑफ मोशन से, उसके कॉज से, जो हमारा रिलेशन करेगा किसी फोर्स और मोशन के ऑब्जेक्ट को, या रिलेशन करेगा एनर्जी और मोशन को। मैकेनिक्स दो हिस्सों में टूटती है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। अब समझ गए, कोई भी मूविंग चीज़ है तो वहाँ मैकेनिक्स की डील होगी, यानी कोई कार चल रही है, कोई बस उड़ रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वहाँ भी मैकेनिक्स आएगा। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में फ़र्क समझें। हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्स के बारे में पढ़ा है और चैप्टर जो हमने मैट्रिक तक पढ़े हैं, वो सब हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, जो मैक्रोस्कोपिक पे देखा जाता है, यानी एक बड़े पैमाने पे चीज़ को देखा जा सके। मून्स हो गए, प्लैनेट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, अर्थ हो गई, ये सब चीज़ें हमारे पास जो चल रही होती हैं वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स पे चल रही होती हैं, जिसमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम या एनर्जी कह लें, या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बॉल छोड़ूँ तो वो बॉल ज़मीन पे फौरन गिर जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या ये कह लें कि ग्रेविटी जिस हिसाब से उसे खींच रही है। लेकिन अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूँ, या हम लोग एक डस्ट पार्टिकल की बात करें, तो उसका बिहेवियर जो होगा वो अलग होगा। उसको हम लोग बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी जहाँ बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम के अंदर की चीज़ की। जैसे मिसाल के तौर पे हवा में ज़र्रात चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है उन पर ग्रेविटी वैसे ही अप्लाई हो रही होगी जैसे अप्लाई होती है, या उन पर वैसे ही फोर्स लग रही होगी जो हमारी कार और बस और प्लैनेट्स पर लगती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उन पर थोड़ी सी हमारी मैकेनिक्स चेंज होती है, उन पर फोर्स का मूवमेंट चेंज होता है, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स सब पार्टिकल्स पे या पार्टिकल्स पे
ज़्यादा डील करती है। हम लोगों ने बोला कि पहली वाली हमारी मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी चीज़ों पर डील करती है, और ये वाली जो हमारी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करती है। जो एनर्जी और मैटर को शो कराते हैं वो तो हमारे दोनों फिजिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन नॉर्मली ये फॉर्म जो बेसिस होता है वो बिहेवियर ऑफ आइटम और सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनके अंदर भी कॉर्क वॉर्क सब चीज़ों पे डील करती है। शॉर्टली कह लें कि मैकेनिक्स किसी भी मोशन के किसी भी कॉज के बहुत क्लासिकल और मैकेनिक्स दोनों इस पर डील करती है। फिर साथ में बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है हीट पे, एनर्जी पे और वर्क पे। जैसे आप लोगों ने हीट का चैप्टर पढ़ा होगा, हीट कैपेसिटी पढ़ी होगी मैट्रिक में, तो वो चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स की, टेम्परेचर और इन सब पे। इसकी भी अपनी अपनी पूरी चीज़ बहुत सारी हैं, इसकी भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन काफ़ी है सिर्फ, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर कायरोजीनिक्स, अब पता नहीं इसका मैं नाम सही से ले रहा हूँ नहीं ले रहा, लेकिन इसका नाम शायद मैंने अभी तो देखा जाए तो पहली बार लिया। फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मटेरियल से या लो उनका बिहेवियर से जो भी उनका टेम्परेचर होता है, यानी जो बिलो हो तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनसे। अच्छा, काफ़ी सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास इस नौबत तक पहुँच जाते हैं जो सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी पर होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। दिस फील्ड हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द प्रिवेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल और सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। फिर आती है हमारी प्लाज्मा फिजिक्स। अगर किसी से पूछा जाए कि मैटर की कितनी टाइप होती है तो बोलता है तीन, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, लेकिन अगर चौथी टाइप का बोला जाए तो वो हमारे पास होती है प्लाज्मा फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है प्लाज्मा से। प्लाज्मा एक हाईली आयनलाइज गैस होती है, कंसिस्ट होती है आयंस पे, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रल पार्टिकल पे। यानी ये समझ लेंगे, फर्श करें आपने बर्फ़ को जलाया तो वो पानी बन गया, पानी को जलाया तो वो गैस बन गया, और गैस को भी जलाए जा रहे हैं जलाए जा रहे हैं जलाए जा रहे हैं, या उसको बहुत ज़्यादा हीट किए जा रहे हैं, जला नहीं रहे हीटेड कर रहे हैं, तो हाई आयनस पार्टिकल बन जाएंगे, जैसे हमारे पास सन पे हो रहा होता है। तो प्लाज्मा एक तरह की फोर्थ काइंड होती है हमारे मैटर की, और प्लाज्मा फिजिक्स उससे डील करती है भाई। फिर आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। किसी भी मैटर के किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर से जो डील करती है हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट डील विद द स्टडी ऑफ सॉलिड इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रॉपर्टीज़ कैसे होगा, किस तरह से बना होगा। असल में देखा जाए तो ये एटम के अरेंजमेंट जो होती है वो किस तरह से ऑर्डर में है। जैसे हमारे पास सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्लोजली टाइट होते हैं, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वहाँ से डील करती है, उसकी स्टडी को शो करवाती है। इसका भी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इसके एरिया को भी डिफाइन नहीं कर रहे हम, जल्दी जल्दी इस चीज़ को देख रहे हैं। जियोफिजिक्स हमारे पास क्या होती है भाई, स्टडी करती है फिजिक्स को, जो हमारा प्रोसेस होता है अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे आप लोगों ने जियोग्राफी का नाम सुना, जियोलॉजी का सुना, जियो का मतलब समझ जाए आपके अर्थ से कोई चीज़ डील करने वाली है। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी प्रोसेस होती है अर्थ और अर्थ के एनवायरनमेंट पर काम करती है। एस्ट्रोफिजिक्स डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स वर्क, कह सकते हैं हम लोग आसानी से। एस्ट्रो जो होते हैं वो हमारे पास रिसर्च कर रहे होते हैं प्लैनेट्स पे, अराउंड अदर स्टार्स, यानी प्लैनेट्स की एक तरह के होते हैं। ऐसी आती है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक जो होती है वो हमारे म्यूजिक या साउंड से निकला है, वो हमारी डील कर रही होती है वो फिजिक्स की ब्रांच जो साउंड या किसी स्पीच या किसी म्यूजिक पर डील कर रही है। ओके, फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बारे में चैप्टर नंबर 16 है मैट्रिक की बुक में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का रिलेशन बना के जो हमारी फिजिक्स बनती है वो इलेक्ट्रो मैकेनिक मैग्नेटिज्म होती है। फिर साथ में आ रहा है फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स पर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग इस बुक में। तो इसकी मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है लिक्विड या गैसेस से या उनके बिहेवियर से जब वो किसी सॉलिड से इंटरैक्ट या इंटरेक्शन में आते हैं, यानी कोई सॉलिड या कोई लिक्विड या कोई गैस सॉलिड के साथ कैसा बिहेव करता है, ये हमारी फ्लूड मैकेनिक्स बताती है। फ्लूड मैकेनिक्स के हमारे पास दो पार्ट आएंगे, एक आएगा फ्लूड स्टेटिक्स और एक फ्लूड डायनामिक्स। फ्लूड स्टेटिक का मतलब समझ जाए, स्टेटिक का मतलब रेस्ट होता है, ये डील करेगी उस वक्त जब चीज़ रेस्ट में हो उसके बिहेवियर में, और दूसरी बार डील करेगी जब हमारे पास डायनामिक हो यानी मोशन हो। फिर हाई एनर्जी फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स हमारे पास वो होती है जो डील करती है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से और उनके इंटरेक्शन से, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उनकी एनर्जी से। उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज पाई जाती है, E=mc², यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एटॉमिक बम का फॉर्मूला इस चीज़ में आ सकता है एक तरह से। फिर हमारे पास आती है क्वांटम फिजिक्स, नॉन एज अ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसने आके एक तरह से देखा जाए तो पूरी साइंस को पूरी फिजिक्स को बदल दिया था।
या कह लेंगे पूरी मैकेनिक्स को चेंज कर दिया था, फिजिक्स को तो चेंज नहीं किया था। वो डील करती है बिहेवियर ऑफ आइटम एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्केल जो मैंने बताया, सच एज आइटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, और मैकेनिक्स के ही उस पर होती है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस होती है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। सुपर पोजिशन का इसमें आता है, यानी एक कोई चीज़ जो दोनों स्टेट में मौजूद हो, मल्टीपल स्टेट में एट अ टाइम मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ा होगा। सुपर पोजिशन का बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आगे जाके आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा। बाइनरी नंबर ऐदर या वन हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्या अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जो वन और ज़ीरो बीच की स्टेट में हो, तो मैं उस चीज़ को बोलूँगा सुपर पोजिशन, यानी वन और ज़ीरो दोनों की स्टेट में पाया जाता है। फिर यहाँ पे इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट बहुत जाके आगे काम आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आप इस ईयर नहीं पढ़ेंगे, आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर फिजिक्स का स्कोप देखा जाए, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी देखा जाए, तो उसके बारे में भी मैं पूरा बता दूँ कि सोसाइटी में जो कुछ बन रहा है फिजिक्स की टेक्नोलॉजी से ही बन रहा है। जल्दी जल्दी इस चीज़ को मैं देखता हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। स्कोप एंड टेक्नोलॉजी हर एक को पता है, जितनी भी एडवांसमेंट आ रही है फिजिक्स की वजह से आ रही है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब चीज़ें हमारे पास इस तरह से बन रही हैं कि आगे जाके इसी पे ही काम हो। एक जो फील्ड है हमारी इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वो हमारी रोबोटिक्स है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सबको मिला के हमारे पास एक तरह से रोबोटिक्स बन रहा है। अच्छा, ये जो मेरे पास है, अच्छा इस चीज़ को शायद मैंने बैक कर दिया, बैक करके वापस जाता हूँ अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, साथ में एक चीज़ और देख लूँ कि टाइम कितना हो गया। टाइम यहाँ पे 11 मिनट हुए हैं, यानी वीडियो अभी आगे तक चलेगी भाई। ओके भाई, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला पेज हो गया था, ये वाला पेज हो गया था, अब आ रहे हैं वापस इस चीज़ पे। इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि स्टूडेंट आराम से देख पाए भाई। ये रहा भाई, तो हर तरह की टेक्नोलॉजी में हमारी फिजिक्स काम आ रही है। अब मैकाट्रॉनिक्स एक फील्ड होती है, काफ़ी जगह उसका BS भी करवाया जाता है, इवन ज़ेबिस जैसी यूनिवर्सिटी और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जा रहा है, इस्लामाबाद की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जा रहा है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में नहीं, हाँ सॉरी, कायद अजम यूनिवर्सिटी में भी करवाया जाता है। एक हमारे पास समझ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल और मशीनरी और रिबोट सबका कम्बिनेशन बना के मैकाट्रॉनिक्स एक फील्ड बनी है, जिसमें हमारे रिबोट्स काम करते हैं रिबोटिंग के जरिए। असेंबल कार हो गई, हमारे पास नासा का बनाया वो पहला प्रोजेक्ट जो होता है, हमारे पास रेड प्लान जो हमारे पास एक समझिए फर्स्ट रिबोटिक डिवाइस था जो हमारे मार्स पर उतरा था, तो ये सब चीज़ें हमारी मैकाट्रॉनिक्स में आती हैं। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करें, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर कंडक्टर में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टर एक साइंस की वो चीज़ है, यानी हम लोग उस चीज़ पर जाने वाले हैं जिसमें से एनर्जी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, यानी समझ लेंगे वो कभी ख़राब नहीं होगा, या ये समझ लेंगे उसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। जितना हम करंट दे रहे हैं इतना ही पास हो पाएगा और ये एक आइडियल डिवाइस होगा जब ये सही से बन पाएगा। तो आल तो उस पर थ्योरी बनी है काफ़ी हद तक, देखा जाए तो मेरे ख्याल से ग्रेफीन नाम की एक चीज़ है। ग्रेफीन आप लोग कभी सर्च किया होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ है जो हमारा देखा जाए तो तकरीबन डायमंड ज़्यादा मजबूत है, इलास्टिक ज़्यादा खिंच सकती है और 10 चीज़ें उसमें प्रॉपर्टीज़ और हैं, समझो सुपरमैन की तरह है बिल्कुल। ब्रिजेस, ब्रिजेस हमारे पास मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को एक तरह का पासवे, एक ब्रिज बनाया है कि हम लोग रिबोटिक्स या फिर कोई भी चीज़ें ब्रिज बना सकें। एक तरह से देखा जाए तो ब्रिज का यहाँ पे वैसे भी वाला ब्रिज का भी जिक्र किया गया, लेकिन ब्रिज वाले टॉपिक को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेन चीज़ ये एक्सपर्टीज में नहीं है। मैग्नेटिक लेमिनेशन, यहाँ पर हम लोगों को बताया कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो कंट्रोल की जाती है वो एक तरह से सुपर फास्ट होती है, वो मैग्नेटिक लेमिनेशन के जरिए भी की जा सकती है, यानी कुछ जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए हम लोग स्पीड भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन इसका भी काम हमारे पास नहीं हो रहा। अच्छा, एक काम ये भी है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। आर्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि नॉइस कितना ज़्यादा स्ट्रेस कर सकता है, यानी मुसलसल आप गाने सुने जा रहे हैं या मुसलसल किसी शोर में, तो आपका एक तरह से स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है और हाइपरटेंशन का भी शिकार हो सकता है। ये आपने चैप्टर नंबर 12 में नहीं, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हो मैट्रिक क्लास में, अगर उसकी डिटेल पढ़ी हो तो नॉइस कितनी ज़्यादा नुकसानदेह। तो इंजीनियर्स काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं कि नॉइस की कैंसिलेशन हो पाए, जो हम लोग नॉइस बनाते हैं उसका कोई इन्वर्ट पैटर्न हो पाए जिससे हमारी नॉइस कैंसिलेशन हो पाए। गायरोस्कोप, अब गायरोस्कोप पता नहीं सही से मैंने नाम लिया नहीं लिया, लेकिन फिलहाल ये एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है, मेंटेन करती है ऑरिएंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो चीज़ जो सर्किल में घूम रही हो भाई, सही, जिसका हर वक्त चेंज हो रहा है एंगल। स्पिन रोटेटर, यानी एक तरह से इस चीज़ को रोटेट करने के लिए, या कह लेंगे
एक डिवाइस है जो मेंटेन करने के लिए काम आती है किसी भी चीज़ की रोटेशन, और बहुत ज़्यादा जगह काम आ सकती है। लेकिन जल्दी जल्दी से इसको चीज़ को पढ़ें। आल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये भी हमारी फिजिक्स की एक एडवांसमेंट है कि फिजिक्स आल्टरनेटिव फ्यूल्स बनाने पर काम कर रही है। जिसने एनर्जी एनवायरमेंट पढ़ा हो, सोलर एनर्जी जैसे हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, सब जितनी भी हमारे पास आल्टरनेटिव एनर्जीज आ रही है वहाँ पर हम आल्टरनेटिव फ्यूल्स बना सकते हैं। आल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब ऐसे फ्यूल जिसके ज़रिए हमारे पास कार और ये सब चीज़ें चल पाएँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में बिजली नहीं है, लेकिन आप सोलर पैनल के ज़रिए आप कोई भी करंट वाली चीज़ चला सकते हैं। तो ये आल्टरनेटिव फ्यूल्स पर भी काम हो रहा है सोलर उसके इसमें में। अब अगला टॉपिक है फिजिक्स एंड सोसाइटी, जिस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर चुका हूँ। फिजिक्स सोसाइटी से बहुत ज़्यादा वो जुड़ी हुई है, हर चीज़ हमारे पास ही आती है। जल्दी से इसको आगे देखते हैं। एसआई यूनिट एंड ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट यूनिट। बेस एसआई यूनिट वही यूनिट होते हैं जिनको इंडिविजुअल होते हैं जो मेन होते हैं। एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होते हैं जो एक तरह का पैमाना है जिसमें हम यूनिट नापते हैं। अच्छा, जैसे बेसिक तौर पे अगर थोड़ा आसान लफ्जों में बताऊँ, जैसे लेंथ को मैं मीटर में नापता हूँ, टाइम को सेकेंड में नापता हूँ, मास को किलोग्राम, तो ये सब हमारे पास एक तरह के बेस एसआई यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं और पता ही चल चुका होगा इसका। आगे जाके होता है ड्राइव एसआई यूनिट। तो ड्राइव एसआई यूनिट वो होते हैं जो कम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फोर्स है, फोर्स हमारे पास क्या, मास और एक्सलरेशन दोनों का मिला के बनी हुई है। ऐसी एक्सलरेशन क्या, एक्सलरेशन भी हमारे पास एक चीज़ से बनी है। वेलोसिटी क्या है, तो ये चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे ड्राइव यूनिट ये हो गया मास किलोग्राम पर सेकेंड, ये हमारे पास हो गया मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, जो हमारे न्यूटन के बराबर होता है फोर्स के, एक तरह का ड्राइव यूनिट। और खाली मीटर ले लें तो ये हमारे पास बेस यूनिट होता है। अच्छा, इस चीज़ की थ्योरी आप लोग जानते हैं, ये हमारे पास सब ड्राइव यूनिट है। जैसे हमारे पास वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, फोर्स हो गया। वॉल्यूम क्यों हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ड्राइव हो गया। एरिया फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, और एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तभी इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट में होगा। तो ये सब हमारे पास ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, ये हमारा थोड़ी सी नई चीज़ आई है। सप्लीमेंट्री यूनिट वो कॉन्टेक्स्ट होती है मेजरमेंट की, जिसमें हम लोग यूनिट को मेजर कर सकें, नॉट पार्ट ऑफ अ बेस, नॉट इंटरनेशनल सिस्टम, बट एक्सप्रेस कर सकें सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्टली कन्वर्ट ना कर रही हो बेस यूनिट को। जैसे हमारे पास रेडियन हो गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू इतना, याद होगा एक रेडियन इतने के बराबर होता है, तो ये तरह का एक तरह का हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। अच्छा, प्लेन एंगल को यूज़ करने के लिए या मेजर करने के लिए रेडियन काम आता है, सिंबल आर ए डी लिखते हैं, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्ट्रेडियन काम आता है, जिसको आर एस से लिखा जाता है। सॉलिड एंगल जब हमारे पास कोई स्पेयर हो एरिया में, वहाँ हमें मेजर करना हो रेडियस, जैसे मिसाल दिया हुआ है रेडियन और स्ट्रेडियन की। तो यहाँ पे जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा में, या यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे हैं स्ट्रेडियन में, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट का काम आता है। ओके, नीचे देख लेते हैं। ड्राइव यूनिट दोबारा डिफाइन किया हुआ है, वो यूनिट जो हमारे पास किसी प्रोडक्ट या उसकी फॉर्म में, जैसे हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में है और ये हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये भी ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। हमेशा किसी के डिवाइड या उसकी फॉर्म में होते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ साइन, जल्दी से इस चीज़ को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया भाई, कोशिश यही है कि 25-30 मिनट में वीडियो ख़त्म करूँ, ताकि पहला चैप्टर थोड़ा सा लंबा, सेकंड चैप्टर थोड़ी कम या नेट की वीडियो होगी। कंसिस्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब भी हम लोग कर रहे होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं कि कन्वेक्शन फॉर यूनिट, यानी समझ लें किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यूनिट्स में। कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंस ऑफ यूनिट, मेजरमेंट जब भी कर रहे हो तो हम सेम यूनिट में करने हैं, सही है। सीरीज जो जनरेट कर रही हो, जैसे मेजर कर रहे हैं हम स्पीड को, तो डिस्टेंस जो मेजर होगा हमेशा मीटर में होगा, टाइम जो मेजर होगा हमेशा सेकेंड में होगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट, हमेशा स्टैंडर्ड को लेके चलें जो ऐसा यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए टाइम का, हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट जो फिक्स है हमारे पास सेकेंड है। टाइम का यूनिट कहीं चेंज नहीं होता किसी भी सिस्टम में। हम मास का फिर भी ग्राम हो जाता है और बाकी सब चीज़ों का भी चेंज होता है, जैसे लेंथ को सेंटीमीटर मीटर में नाप सकते हैं, लेकिन टाइम को हमेशा सेकेंड में नापेंगे चाहे कुछ भी हो। अच्छा, ये हमारे पास किलोग्राम होता है मास का, तो ये इसकी स्टैंडर्डाइजेशन है। अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ यूनिट, अप्रोप्रिएट चॉइस का मतलब ये है भाई, साफ सी बात है, मास को मेजर करना है किलोग्राम में, मास को ग्राम में मेजर नहीं करना है। ऐसे टाइम को मेजर करना है सेकेंड में, उसको घंटे में या फिर 4 घंटे में, इस तरह मेजर नहीं करना। यूज़ ऑफ प्रीफिक्स, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे किलो लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है 1000 मिली लगा देते हैं 10^-3, माइक्रो लगा देते हैं 10^-6। तो हम एक चीज़ को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे 40 ट्रिलियन किलोमीटर, अब मैं अगर इतने ज़ीरो लिखता तो हमारे पास कितने सारे ज़ीरो आ जाते हैं, 15-20 ज़ीरो आ जाते हैं, सही है।
तो प्रीफिक्सेस का यूज होता है किलो, मिली, विली, सब हमारे पास प्रीफिक्सेस है। यूज ऑफ कंसिस्टेंट नोटेशन, कंसिस्टेंट नोटेशन, यहाँ पे कंसिस्टेंट नोटेशन का मतलब ये, जैसे 10 मीटर है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं 10 m बहुत आसानी से। तो हम लोग आसानी से यूनिट को लिख सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। मेजरमेंट टेक्निक बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है, जल्दी जल्दी इसको डिफाइन करके मैं आगे भागूंगा भाई, क्योंकि बहुत लंबी ये चीज़ है। ये एक तरह की मेजरमेंट टेक्निक हर चीज़ की अलग होती है, हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग होती है। याद रखिएगा, फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं, यानी वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिजिक्स है। अब मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना हसीन हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ये मेजर नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, मैं कितना लंबा हूँ, मैं कितना तेज़ भागता हूँ, मेरा वजन कितना है, ये सब मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मेजरमेंट करते हुए हम लोगों को किसी भी चीज़ की फिजिकल वैल्यू पता चलती है कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे आपका कद कितना है, आपका वजन कितना है, आप कितना दौड़ सकते हो, आपकी बीपी, हार्ट बीट कितनी है, सब चीज़ें हो सकती हैं। एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत ज़रूरी होती है मेजरमेंट के लिए। जिन्होंने पता है उनको पता है, वरना नीचे डिफाइन होगी कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशंस क्या होती है। ओके, डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक होती हैं हमारे पास, हर चीज़ की अलग अलग होती हैं। कुछ होती हैं डायरेक्ट मेजरमेंट और कुछ होती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वो होती हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएँ साइज़ पे, लेंथ पे, अदर करेक्टरिस्टिक पे। जैसे मैंने एक सिंपल लेंथ नाप ली किसी भी चीज़ की, वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट वो होती है जो रिलेशन से नापी जाए किसी चीज़ का। जैसे हम लोग अर्थ का मास नापते हैं, हम लोग नहीं नाप सकते अर्थ का मास कितना है, भाई हमने कोई तराजू थोड़ी बनाया है, लेकिन उसकी इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ऐसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट और 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से हम लोग कर सकते होते हैं, न्यूमेरिकल इस्टीमेशन से। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो फिर भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इस्टीमेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर एल्गोरिथम। कंप्यूटर एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इस फॉर्मूला बनाते हैं जिसके जरिए हम लोग एस्टिमेशन कर पाएँ कि इसे पानी कितना बह रहा है पाइप से। तो एक तरह का न्यूमेरिकल इस्टीमेशन में आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन टूल होता है डिवाइस को, कि हम लोग किसी भी चीज़ को चेक कर सकें, मेजर कर सकें। मल्टीमीटर जिसने यूज़ किया, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, टेम्परेचर हो एम मीटर करंट मेजर करने के लिए, थर्मामीटर वोल्टेज मेजर कर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक हमारे पास वो बिहेवियर होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन मूवमेंट इज अ प्लैनेट टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ऑर्बिट। अगर प्लैनेट की कर रहे हैं तो किस तरह से वो घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में, ये पता करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं भाई, जल्दी जल्दी इसको देख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप भी पढ़ के खुद समझ सकते हैं। जैसे लेंथ नापने के लिए क्या हो सकता है, एक स्केल या रूलर हो सकता है, किसी भी चीज़ की लेंथ नापने के लिए नाप सकते हैं। अच्छा, जैसे टिपिकली हम लोग देखा जाए तो नॉन लेंथ जो होती है वो मार्क कर दी जाती है रूलर या स्केल से और पता चल जाता है मेजरमेंट। कैलिपर, वर्नियर कैलिपर हमारे पास वो होता है जो डिस्टेंस नाप सके किसी अपोजिट डायरेक्शन में टू चीज़ों का। सही है, वर्नियर कैलिपर की थिकनेस और पाइप क्या, मटेरियल कि कितना पाइप ठीक है, उसका डायमीटर वायमीटर नापने के लिए काम आता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये वही चीज़ है भाई, किसी भी थिकनेस चीज़ को नापने के लिए काम आता है। इस लेबॉरेटरी में हमारे पास किसी चीज़ की सेटिंग करने के लिए लेज़र इंफेरोमीटर, लेजरी टेक्निक होती है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कि डिस्टेंस कितना है थिक का, जो हम लोगों ने कभी नहीं किया। ऑप्टिकल डिस्टेंस भी एक तरह की मेजरमेंट टेक्निक होती है, ऑप्टिकल डिवाइस यूज होती है रेंडर रेंज फिल्डर के नाम से, और लेज़र डिस्टेंस मीटर होता है इसमें जो भी होता है। ओके भाई, सब डिस्टेंस की बात हो रही है, सब लेंथ की हो रही है, ऐसी हर चीज़ की है भाई, बहुत लंबा चैप्टर है। अब मास नापने के लिए बैलेंस यूज़ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेथड यूज़ होता है, केमिकल मेथड यूज़ होता है, एक्सरे डायफ्रेक्शन होता है, और ये सारे मेथड हैं छोटे छोटे भाई जिस चीज़ को आप देख सकते हैं। टाइम नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल क्लॉक्स होती हैं, ऑटोमेटिक क्लॉक्स होती हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक होते हैं, जीपीएस टाइम सिस्टम होता है, आवर ग्लास होता है, और स्टॉपवॉच होती हैं। सबकी थोड़ी छोटी डेफिनेशंस हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लेगा, जल्दी जल्दी चीज़ को ख़त्म भी करना है। अच्छा, ये इसका बताया हुआ भाई कि थिकर टाइम जो होगा वो ज़्यादा वो टाइम होगा, लेकिन उस चीज़ का कोई वो खास मैटर नहीं करता यहाँ पर। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी, और टेम्परेचर किस तरह नापी जा सकती है, टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले थर्मोकपल, थर्मोकपल हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जो दो वायर होते हैं मेटल्स के, ज्वाइन होते हैं दो एंड पे, और डिफरेंट टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ज़रिए, यानी वोल्टेज चेंज होने के ज़रिए। ओके, अच्छा, LDR या RTD सॉरी रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, ये हमारा रेजिस्टर होता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिटेक्टर प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के मटेरियल पे, और टेम्परेचर चेंज कर लेता है भाई। दो तरह के इसका होता है, मेटेलिक डिवाइस होती है
कॉमनली यूज होती है, और बायोमेटेलिक टेम्परेचर भी उसमें होता है, जैसे बायोमेटेलिक स्टेप होती है इस तरी में, जैसे आपने चीज़ देखी होगी कि इस तरी ज़्यादा वोल्टेज लेने के बाद एक बार फुल गर्म होने का खुद ब खुद ठंडी हो जाती है, उसकी लाइट जलना बंद हो जाती है, वहाँ पे बायोमेटेलिक स्ट्रिप काम आती है। तो ये सब उसकी मेजरमेंट टेक्निक्स हैं। इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज नापने के लिए क्या काम आती है? अच्छा, बायोमेटेलिक हो गया, इंफ्रारेड सेंसर्स हो गए। इंफ्रारेड सेंसर्स हमारी हीट टेम्परेचर को नापने के लिए काम आते हैं, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप जब पास रखेंगे इंफ्रारेड सेंसर के, खुद ब खुद ही बीप बजना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह का टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ये, बहुत आसानी से टेम्परेचर को पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी किससे नापी जाती है? सबसे पहले मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का आया था, मैं कभी दिखा दूंगा। मल्टीमीटर एक डिवाइस होती है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस सब नापने के लिए काम आता है। इस तरह का होता है भाई, ये तस्वीर बनी में शुक्र है भाई, जिसने देखा होगा टीम वाले की दुकान पर, सबकी दुकान पर देखा होगा। डिजिटल मल्टीमीटर भी होता है और भी होता है। और दूसरी चीज़ जो नापने के लिए काम आती है इलेक्ट्रिक इंपल्सिस, होते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें वेव की शक्ल में शो हो रहा होता है कितना करंट आ रहा है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सही है, मेजरमेंट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज, तीन तरह से हमें नापा जा सकता है सीआरओ के जरिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जरिए, या तो वोल्टेज की जर में, या फ्रीक्वेंसी के शक्ल में, या फेज, फेज का मतलब एंगल, कि एंगल कितना चेंज आ रहा है उस हिसाब से। इम्पेडेंस भी नापी जा सकती है, और डिस्टॉर्शन भी मेजर की जा सकती है। डायरेक्ट करंट में यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट की लाइन देखें तो सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी, एक पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, अल्टरनेटिव करंट की लाइन बिल्कुल यूँ जा रही है, जैसा हम लोगों ने उसमें देखा होगा प्रोग्राम में। डायमेंशनली एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो एक तरह से ऐसे यूनिट निकालते हैं ना किसी भी चीज़ के, वैसे ही हमारे पास वो होते हैं। डायमेंशन रिफर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, सही है, मैटर पैरामीटर पे। डायमेंशन के तीन बेस चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है लेंथ जिसको हम नापते हैं, यानी एक जो लेंथ जो मीटर में नापते हैं उसको शो करवाते हैं एल से। मास को हम नापेंगे एम में, यानी किलोग्राम चेंज हो जाएगा एम में, और टाइम चेंज हो जाएगा टी में। ऐसी करंट का एम्पियर, और इलेक्ट्रिसिटी वो टेम्परेचर का केल्विन। ड्राइव यूनिट से बनते हैं, छोटी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में शो कराया भाई? लेंथ से, और टाइम किस होता है? टी से। तो यहाँ पर हमने एम की पावर ज़ीरो लिख दी। एम की पावर ज़ीरो क्यों? क्योंकि हर चीज़ रिप्रेजेंट होगी एम की पावर ज़ीरो में। मास यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो लिखे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। लेंथ हमारे पास वन आ गई, और टाइम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जैसे एरिया का क्या होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास हर चीज़ का अपना अपना यूनिट होता है भाई। ओके, आप यहाँ पे कोई सेम दिखाई दे रहा है? सेम अभी तो बाहर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर आगे जाके कोई सेम आएगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास क्या है? एम टू एल टी माइनस वन। ऐसे हमारे पास वर्क एंड एनर्जी का भी सेम है भाई, सही है, एम टू एम एल टू माइनस वन। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एम सी क्यू उसमें काम आएगी। होमोजेंट्री ऑफ फिजिकल इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे होमोजेंट्री एक तरह का बताया हुआ है किस तरह से प्लस करके क्या बने। और इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा बोर्ड पे मैं समझाऊंगा जब उसकी डिटेल बताऊंगा, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। अनसर्टेनिटी या एरर। अच्छा, अब कितने मिनट हो गए भाई? ओ भाई 28 मिनट। अनसर्टेनिटी बेटा मेजरमेंट में वहाँ पे आकर होती है जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करें, यानी दो चीज़ें होती हैं, एरर और सर्टेनिटी। अच्छा, दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। एरर क्या होता है यहाँ पे देखें, एरर कैन बी इशू विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट मेटोलॉजी डेट कॉन बी रीडिंग और डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। एरर यानी वो होता है जो हम लोग एक तरह से मेटोलॉजी में हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उस चीज़ में कोई डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट स्टैंडर्ड आ गया। अनसर्टेनिटी ये होती है कि रेंज वैल्यू जो भी है मेजरमेंट की, वो ट्रू वैल्यूज के अलावा कुछ और आ रही है, एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है। वैसे एरर जो होता है, हम लोग आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करें तो एक तरह का डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग वैल्यू जो हमने नोट की है उस वैल्यू में। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव द टाइम एंड डिस्टेंस यूजिंग स्टॉपवाइज मीटर द नियरेस्ट, तो हम लोगों को यहाँ पे बताया हुआ छोटा सा। अच्छा, एरर की कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर सिस्टम से निकला है, यानी अगर आपके सिस्टम में कोई ख़राबी है तो वो सिस्टमैटिक एरर है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज था, उसका जीरो पे लाइन आई नहीं रही थी, जीरो से ऊपर थी, तो वो एक तरह का एरर हो गया और सिस्टमैटिक एरर। या फर्ज़ करें आपका आधा स्केल टूटा हुआ है और आपने आधे स्केल से मेजरमेंट ले ली जो आपकी मेजरमेंट सही नहीं होगी, तो वो भी एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर हैपन व्हेन द फॉल्ट ई और ऑपरेटस या इनकरेक्ट लेबल ऑफ स्केल की, तो वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर होता है। सही है, जैसे इनकरेक्ट जीरो मार्क कर लें एक मीटर में, या स्टॉप मार्क जो रन हो रही हो स्लोली,
जैसे घड़ी बहुत स्लो रन हो रही थी, जो सिस्टमेटिक एरर था वो हमारा। अब सिस्टमेटिक एरर में भी हमारे पास दो तीन चीज़ें आती हैं, एक ज़ीरो एरर आता है। ज़ीरो एरर क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो ज़ीरो से स्टार्ट ही नहीं हो, पहले से आगे थी या पहले से पीछे थी। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ज़ीरो एरर, यानी वो ज़ीरो से पीछे वाली लाइन से कॉन्साइड कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़ीरो से पहले वो लाइन से कॉन्साइड कर रहे हैं। अब जैसे ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो से पॉइंट आगे आ रहा है या पॉइंट पीछे आ रहा है, तो ये हमारा ज़ीरो एरर कहलाता है। सिस्टमेटिक एरर की एक टाइम है। दूसरा एंडर होता है रैंडम एरर, वो एरर जो मेजरमेंट को रिजल्ट नापते हुए कुछ गलत हो गया, डिपेंड होता है कंडीशंस पे, कभी कभी साइज का डिपेंडेंट एरर होता है। अच्छा, एक तरीका होता है एरर की अनसर्टेनिटी निकालने का, कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करके टू से डिवाइड करते हैं। छोटी सी इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास चार वैल्यूज़ पाँच वैल्यूज़ हैं। सबसे बड़े वैल्यू ध्यान में रखिएगा 100.6 और सबसे छोटी वैल्यू 100.1। सबसे पहले हमने लेंथ नापी, देखा वेखा, फॉर्मूला लगाया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मीन निकालें सबका, सबको सम कर दें भाई और डिवाइड कर दें किससे, पांच वैल्यू है तो पांच से, तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। हम अनसर्टेनिटी निकाल लें कि अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है रैंडम, कि रैंडम कितनी ख़राबी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेजरमेंट करें। मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करें और डिवाइड बाई टू कर दें, तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई टू 0.25। तो अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ ऑफ पाइप जो आई है वो हमारे पास माइनस 0.25 है। अब तीसरा पार्ट जो इसका फाइनली जितनी रेजुलेशन हो उसको डिवाइड दे दें टू से, जो हमारे पास नंबर है। जैसे रेजुलेशन हो पाइप की 1 सेंटीमीटर तो उसको उसको हाफ करके डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारे पास आ गई। तो लेंथ जो आई है हमारे पास, या रैंडम अनसर्टेनिटी की लेंथ जो आई है, जो चेंज होकर आई है, वो प्लस माइनस 0.25 है। और सर्टेनिटी ड्यू टू प्रिसिशंस जो आई है वो हमारे पास 0.05 है। तो सर्टेनिटी प्रिसिशंस मेजरमेंट लेस होती है उससे। स्क्रू गेज और स्पेयर, ये आपके प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल है पूरा प्रैक्टिकल में सब आप परफॉर्म करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे उससे नहीं होगा। अनसर्टेनिटी के दोबारा थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, नीचे के MCQs एग्जाम्पल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स आ गए। ग्राफ क्या होता है भाई, ग्राफ हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ के डाटा को शो करवाता है। ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, बार ग्राफ होता है, पिक्टोग्राम, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इन सब ग्राफ की ये बनाना है। ये होता है हमारे पास बार ग्राफ, ये होता है हमारे पास पिक्टोग्राम, लाइन ग्राफ, कंटिन्यूस कर्व ग्राफ और पाई चार्ट, अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज़ काम की होती है वो स्मूथ है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मैनिपुलेट होता है किसी एक्सपेरिमेंट में, और देखा जाए तो ये हमारा कॉज होता है किसी भी चीज़ का। डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो कॉल्ड द प्रिडिक्टिव वेरिएबल, एक्सपेंडिटिव वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल। डिपेंडेंट यानी दो तरह के वेरिएबल है, मैंने एफ इज इक्वल्स टू एम ए रख दिया। अब एम जो वहाँ पर था वो कॉन्स्टेंट था, या एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू, तो जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, तो वो कॉज के लिए होता है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं इफेक्ट को शो करवाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे और प्रीडिक्ट करेंगे कि रिजल्ट किस तरह से मैनिपुलेट होकर चेंज हो सकता है, तभी ये इफेक्ट को शो करवा रहा होता है। समटाइम रिस्पॉन्स वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट, कंप्यूटर वाले बहुत आसानी से ये चीज़ को समझ सकते हैं भाई। ये हमारे पास लाइन बनी हुई है, हमारे पास बेनिफिट बताया हुआ है लाइन ग्राफ के, और आखिर में चैप्टर ख़त्म होता है एक्स्ट्रा प्लोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करना ज़रूरी है भाई। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, देख लीजिएगा ज़रूर चैनल पे। आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास वो होते हैं जिनके कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, हमारे कुछ नंबर्स होते हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर के ज़रिए देखा जाता है। जैसे पहला रूल ये होता है हमारे पास के नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते, जितने भी हमारे पास नॉन डिजिट जीरो डिजिट होंगे यानी जीरो नहीं आ रहा तो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे 12.13 तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं और तीनों मैटर करते हैं। जीरो जो होंगे डिजिट के वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे अगर दरमियान में आ रहे हैं, जैसे 102 इसमें से अगर जीरो हटा दूँ तो ये 12 बन जाएगा, तो यहाँ जीरो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन जीरो अगर राइट साइड पर आ रहा हो या लेफ्ट साइड पर आ रहा हो तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे हमारे सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर पॉइंट लग गया है तो हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आज तो हम जीरो जीरो खुद लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि आगे जाके हम कितने भी जीरो लगा रहे हैं मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर 12.30 ये मैटर करता है।
तो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट होते हैं जो मैं तफसील से एक वीडियो में डिफाइन करूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर और वो बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम आ रहे हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशंस पे, जल्दी से एक्यूरेसी और प्रिसीशंस को डिफाइन करते हैं, ख़त्म करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है भाई? एक्यूरेसी हमारे पास रिफर होती है लेवल ऑफ एग्रीमेंट, एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोला ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 और मेरे पास आ रहे 9.7, तो मेरी एक्यूरेसी 0.1% ख़राब है, कम है। प्रिसीशंस होती है, मैं नाप रहा हूँ बार बार और वैल्यू रिपीट होती जा रही है, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, फिर 9.82 तीन बार रिपीट हो गई तो प्रिसाइज वैल्यू होगी। लेवल ऑफ वेरिएशन या वेरिएशन, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, हैपेंड हो रही है किसी सेम फैक्टर के जरिए, तो वो प्रिसीशंस होती है। अच्छा, रिप्रेजेंट द क्लोजली रिजल्ट एग्रीमेंट वैल्यू, वो हमारे पास एक्यूरेसी होती है। रिपीटेशन या रिप्रेजेंट द क्लोज रिजल्ट जो एग्री किया जा सके, वो हमारे पास प्रिसीशंस होती है। कहले समझ लेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा फायदेमंद होती है, प्रिसीशन एक वैल्यू का रिपीट होना होता है। सिंगल फैक्टर और मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, या मल्टीपल मेजरमेंट करनी पड़ती है कि कौन सी वैल्यू बार बार आई जा रही है वही वैल्यू प्रिसाइज होगी। ज़रूरी नहीं है प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट है, अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज तो हो सकती है, आपका स्केल टूटा हुआ, आप हर बार उससे 2 मीटर गिन रहे हो लेकिन वो 4 मीटर है, तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकती। लाइकली मेजरमेंट एक्यूरेट एनाउंसिएशन लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो भी होगा हम एक्यूरेट पे देखेंगे, प्रिसीशन जो होगा हमारे रिजल्ट को मोर एक्यूरेट बनाता है। सिग्निफिकेंट सोल्यूशन कोई भी वैल्यू हो उसमें हमारे पास प्रिसीशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, डिटेल वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉल रेजोल्यूशन होनी चाहिए। अब आ रहे हैं एम सी क्यूज पे भाई, इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे, गला थक गया है बोल बोल के, तो जल्दी से एम सी क्यूज देख के ख़त्म करते हैं भाई। ये हमारे पास एक समरी है, समरी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत साइंस से चीज़ को समझ सकते हैं, छोटी छोटी समरी है। सबसे पहले जिसने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा हुआ है उस चीज़ को दर देखें, विच रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितने आ रहे हैं भाई? सारे नॉन जीरो नंबर गिने जाएंगे और जिसके अंदर जीरो आ रहा है वो भी गिना जाएगा, बीच में जीरो आ रहा है, तो इसमें हमारे पास कितने हो गए? 5। नॉन जीरो नंबर क्या है यहाँ पे? सिर्फ एक 3 है, तो यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गया हमारे पास 1 3 और यहाँ हो गया हमारे पास सिर्फ 2 2 1, तो 5 2 1 ए इज़ द आंसर। ओके, सेकंड, विच इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास है सॉलिड एंगल, ऊपर पड़ चुका है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टैंडियन होता है, सही है भाई। द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 3.5 सेंटीमीटर, इसके लिए हमारा मीटर स्केल यानी ए आंसर है इसका। अच्छा, अगला क्या भाई? क्वान्टिटी हैव अ सेम यूनिट ऑफ ऑल सिस्टम, किस क्वांटिटी का सेम यूनिट होता है? टाइम का हमारे पास सेम यूनिट होता है, हर जगह सेकंड में नापा जाता है। एक्यूरेसी किससे रिप्रेजेंट होती है? एक्यूरेसी रिप्रेजेंट होती है हाउ क्लोज मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, कितनी हमारी क्लोज मेजरमेंट आई है ट्रू वैल्यू की। एल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करवाता है? यानी लेंथ दो बार मल्टीप्लाई हुए तो मीटर स्क्वायर हमारा शोर है। साइंटिफिक प्रिंसिपल किसको इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन में? यानी जो हाई अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है? वो सुपर कंडक्टिविटी में देखने को मिलती है। ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं दी इसकी, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में देखने को मिलती है, यानी इसका सुपर कंडक्टिविटी आंसर है। रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड, रैंडम एरर एलिमिनेट हो सकता है कि अगर हम लोग बार बार उसकी वेरिएबल लें और उसको मीन करें तो हमारा रैंडम एरर क्लियर होता है। ज़ीरो एरर क्या होता है भाई? ज़ीरो एरर एक सिस्टमेटिक एरर होता है, इसका सवाल का आंसर ए है। अच्छा, ज़ीरो एरर क्या हो सकता है? जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकता है? सिस्टमेटिक एरर भी, जीरो एरर भी सिस्टमेटिक एरर है। ओके, सिस्टमेटिक एरर अकर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, सही है। बाकी जीरो एरर भी सिस्टमेटिक एरर की टाइप है। इम्प्लीमेंट्री डिस्टेंस मेजर बाय, इम्प्लीमेंट्री डिस्टेंस वो होता है जो हमारे प्लैनेट से डिस्टेंस किया जाता है, कि मार्स से कितनी दूर एक स्टार है, तो वो जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किलोमीटर में मेजर नहीं किया जाता, वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है कि लाइट की रफ्तार से कितना तेज जाए तो पहुंचे। ये भाई किसका यूनिट होता है? यहाँ हमारे पास मास आ रहा है, मास किस में आ सकता है? फोर्स में आ सकता है, और ये आ रही है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एम ए फोर्स के बराबर होता है। विच क्वान्टिटी हैज़ अ सेम, अच्छा यहाँ पर कौन सी क्वान्टिटी सेम हो सकती है? सेम क्वांटिटी हमारे पास, चलें इसका देख के देखेंगे। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है इफेक्ट। ग्राफ क्या होता है भाई? ग्राफ शो करवाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैग्नीट्यूड हमारा शो करवाता है इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच में एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका जो डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन जो होते हैं
होमोजेट्री डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन एक डायमेंशन से ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है लेकिन अदर डायमेंशन से नहीं हो सकता। इसका मैंने आंसर अभी तक नहीं निकाला, कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन अभी तक आपने नहीं किया। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क या वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे सेम हो गया। तो यहाँ पे हमारे एम सी क्यूज खत्म होते हैं, इसके बाद ई आर क्यूज हैं। और हमारे पास ई आर क्यूज क्या होते हैं पहले ये समझ लें, ई आर क्यूज हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, सही है, एस्टिमेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। इसे हमारे छोटे छोटे एक तरह से ये समझ लें कि जो साइंटिफिक रीजन आते थे ना उस चीज़ को शो करते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इसमें तकरीबन 7 के करीब, 9 10 के करीब भाई। फिर हमारे पास डू यू नो है, डू यू नो भी अच्छा खासा है। फिर हमारे पास आखिर में ये दिए हैं प्रीफिक्सेस जिसका मैंने जिक्र किया था। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैप्टर 2 की भी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, और अभी तक नहीं किया तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, अगले चैप्टर की वीडियो आने वाली है। अभी तक लोगों के पास बुक नहीं आई, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ एक लाइक तो बनता ही है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।